विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर आजाद क्लब रायपुर द्वारा दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर फुटबॉल मैदान में किया गया। इस फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ झामुमो के केंद्रीय सदस्य कृष्णा बास्के द्वारा किया गया। इसके साथ ही नवनिर्मित चबूतरे का उद्घाटन भी किया गया। दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों से 48 टीमों ने भाग लिया है। विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में और साथ में गांवडियत में मां मनसा की भी पूजा होती है, इस अवसर पर आजाद क्लब रायपुर की ओर से जो एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता रखा गया है और इसमें आजाद क्लब रायपुर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर में गिनती आते हैं, इसमें काफ़ी भीड़ होते हैं, काफ़ी दर्शक आते हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते हैं। तो आज मैं यहाँ उद्घाटन करने के लिए आए थे और खिलाड़ी को उत्साह बढ़ाए हैं। तो आज इस तरह ऑर्गेनाइजर कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गांव डिहत से जो खिलाड़ी आते हैं उसका एक सीढ़ी का रूप से माना जाता है कि यहाँ से अगर स्पोर्ट खेल करके आगे चला जाए, राज्य स्तर में खेले और अपना नाम को रोशन करे, देश का नाम को रोशन करे और अपना भविष्य को बनाए। मैं सब खिलाड़ी को या इस झारखंड वासी को सबको मैं धन्यवाद देता। आजाद क्लब रायपुर की ओर से दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इस फुटबॉल प्रतियोगिता में आज 48 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें कई दूर दराज से टीम आए हुए हैं और यह प्रतियोगिता आजाद क्लब रायपुर की ओर से सन 1975 से आयोजन किया जाता रहा है और ये प्रतिवर्ष हमारे यहाँ जो भी टीम पार्टिसिपेट करती है उन्हें हमें ये संदेश छोड़ के जाते हैं कि हमारे यहाँ जो आयोजन होता है काफ़ी बेहतर तरीके से आयोजन होता है और इस आयोजन में टीम भाग लेने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ में इस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं और शामिल होने वाले सभी टीम को हमारे ओर से, कमेटी की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत किया जाता है और जो भी टीम इस प्रतियोगिता में विजेता के रूप में सामने आते हैं, उभर कर आते हैं, उनको